श्रावण मास की हार्दिक बधाई मित्रों। ओम नमो शिवाय। दोस्तों, भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय है, शास्त्रों में बताया गया है। जो भक्त सच्चे मन से सावन के महीने में शिवजी की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामना भगवान शिव जल्दी ही पूरी कर देते हैं और शुभ फल भी देते हैं। इस बार सावन में 5 सोमवार हैं और हर सोमवार अद्भुत योग बन रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन के महीने में ही भगवान शिव की क्यों की जाती है पूजा? आखिर भगवान शिव को यह महीना इतना प्रिय क्यों है? जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। माता सती ने भगवान शिव को हर जन्म में पानी का प्रण किया था। उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती जी ने सावन के महीने में भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए घोर और कठोर तपस्या की और उनसे विवाह किया। इसीलिए शिव को सावन का महीना सबसे प्रिय है। तो इस प्रकार मित्रों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस महीने में ही उन्हें अपनी प्रियतमा पार्वती माता से मिलाप हुआ था। मित्रों, इसके पीछे एक और मान्यता छिपी हुई है कि 4 महीने के लिए भगवान विष्णु जी देव योग निद्रा में चले जाते हैं और पृथ्वी का सारा कार्यभार भगवान शिव को दे जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह अद्भुत 4 मास होते हैं। तो इसमें जितनी भी भगवान शिव की आराधना की जाए वह कम है। इन 4 महीनों में जितनी भी भगवान शिव की हम आराधना करेंगे, जिससे भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होकर हमें सभी आशीर्वाद सभी वर प्रदान करते हैं। तो इसीलिए सावन का महीना और यह चतुर्मास भगवान शिव को समर्पित होते हैं। इसमें अधिक से अधिक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए मित्रों, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें।